कोरपाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ कस्बे की वर्धमान कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। यहां चोर सोने मकान से 80,000 की नकदी, सोने चांदी के जेवरात, एक बाइक, सीसीटीवी कैमरे का DVR लेकर फरार हो गए। इधर चोरी की सूचना पर थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी, उप निरीक्षक निर्मल कुमार खत्री ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। गौरतलब है कि नगर पालिका की ओर से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे कई जगह बंद पड़े हैं, वहीं घटनाओं पर अंकुश लगाने में सीसीटीवी कैमरे नकारा साबित हो रहे हैं। इधर थाना अधिकारी ने सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने के लिए कई बार नगर पालिका प्रशासन को भी अवगत करवाया है, बावजूद इसके नगर पालिका प्रशासन मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चारों को घेरो दे जो मेरे जाते में बेटा को एक बेटी को बेटा की बुआ को धंधे को मेरो चार को घेरो दे यार पहले ये से कर। विश्व शांति और आपसी भाईचारे की कामना को लेकर गुजरात के रामोल गांव से अजमेर दरगाह शरीफ के लिए जा रहे 16वीं पैदल यात्रा पाली के सांडेराव पहुंची, जहां मारवाड़ कोडवाड़ जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह और सरपंच दाखू देवी भील के सानिध्य में यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही सभी पैदल यात्रियों का फूल मालाएं पहनाकर उत्साहवर्धन भी किया गया। इस पैदल यात्रा का नेतृत्व बैलिम शहनाज बानू ने किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस नेता जयदेव सिंह, विक्रम मेवाड़ा, सुरेश मिस्त्री समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। आज अहमदाबाद से रवाना होके सांडव पहुंची जो यात्रा है, सभी मुस्लिम लोग अजमेर जा रहे हैं ख्वाजा नवाब साहब के दर्शन के लिए। और इनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बोले कौमी एकता कायम रहे और सद्भावना रहे सभी लोगों में, विश्व शांति और यहाँ पे सब बच्चा माहौल रहे, इसके लिए जा रहे हैं सब लोग। ये 140 करीब मेंबर हैं जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, जिनका स्वागत किया गया सांडा मार सरपंच दागु देवी और रमेश भाई, सरवंशपति और जितेंद्र लोहार, जयदेव सिंह और मैं जो भी हैं लोग गांव के। शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगारों की ओर से लगातार धरना दिया जा रहा है। 21 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने बेरोजगारों की कई मांगों को मान लिया है, लेकिन बेरोजगार एकीकृत महासंघ के संयोजक उपेंद्र यादव ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। ऐसे में काली दिवाली मनाने की बात भी कही है। खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तखतगढ़ के महाराणा प्रताप चौक पर दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दीपक जलाने और स्वदेशी सामान खरीदने की शपथ ली, साथ ही मिट्टी के दीपक जलाने का संदेश दिया। यह कार्यक्रम SFD जिला संयोजक निखिल सोलंकी के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर मंत्री साहिल माली, सुरेश सोलंकी, राहुल हसमुख समेत कई लोग मौजूद रहे। चले रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की ओर। जगदलपुर में बुधवार को बस्तर पुलिस दीपावली मिलन के लिए गायत्री विद्यापीठ तितरी गांव पहुंची, जहां गायत्री विद्यापीठ गुरुकुल के बच्चों के साथ मिलकर दीपावली मिलन कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, उप पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिद्धार्थ, थाना प्रभारी कोतवाली MN साहू समेत अन्य पुलिस स्टाफ दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे। यहाँ गुरुकुल के विद्यार्थियों से मिलकर चर्चा भी की, बच्चों को स्टेशनरी सामग्री और मिठाइयाँ भी बांटी गई। आपको बता दें कि यह संस्थान 2007 से संचालित है, जिनमें कुछ बच्चे बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के और नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चे हैं, जिनको संस्थान ने गोद लिया है। गांव में क्या क्या है? नहीं बोल रही है। 2007 में बताएं।
दीपावली के पूर्व ज्ञात हुआ कि ग्राम तितिर गांव में जो है गायत्री विद्यापीठ गुरुकुल नामक शिक्षण संस्थान है, जहां 100 से अधिक बच्चे जो है यहां रहकर जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और जिनमें अधिकांश बच्चे जो हैं नक्सल पीड़ित क्षेत्र से हैं या नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं और कुछ अपने परिवार से दूर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दिवाली पूर्व जो है दिवाली मिलन के लिए जो है जगदलपुर पुलिस की टीम जो है यहाँ आई हुई थी, और आज जो है हमने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा बच्चों से जो है यहाँ की शिक्षण संबंधी जो है जानकारी लिया गया है, और बच्चों को जो है स्टेशनरी सामग्री, पठनीय सामग्री एवं मिठाई आदि जो है वितरित। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। यहां खाद्य मंत्री ने जेल अधीक्षक की ओर से लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया। दरअसल खाद्य मंत्री सरगुजा प्रवास पर हैं, ऐसे में अंबिकापुर पहुंचते ही उन्होंने केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया, साथ ही बंदियों से भी बात की।